गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गोरखपुर निरंतर प्रगति के पथ पर पड़ रहा है। गोरखपुर जिले में सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था बेहतर है। जनपद पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ एम्स बन रहा है, चीनी मिल बन रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबी के इलाज हो रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगाया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो गोरखपुर विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, यहाँ पर एम्स बन रहा है और यहाँ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं वो गरीबों को कार्ड वितरित करने के काम किए गए हैं। यहाँ चीनी मिल बन रही है। यहाँ पर बहुत सारे काम गोरखपुर पर्यटन के मानचित्र पर दिखाई दे, एक ही काम पूरे हो रहे हैं। तीन बातें होती हैं, नंबर एक सेफ्टी, नंबर दो कनेक्टिविटी और नंबर थ्री इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों बातों में गोरखपुर चाक चौबंद है। आने जाने की सुविधाएं भी हैं, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज तीनों सुविधाओं से जोड़ दिया गया है, तो गोरखपुर निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। सर, इंसेफ्लाइटिस काफ़ी यहाँ पे व्यापक रूप में था, इस समय काफ़ी कंट्रोल में है, तो देखिए इंसेफ्लाइटिस और कंट्रोल में रहेगा। आगे जो तरकुलानी बन रहा है, तरकुलानी पूरा होने से जो गंदा पानी जमा रहता था वो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पानी की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। गोरखपुर में पानी की स्वच्छता का अभाव रहा है, इसलिए नगर की स्वच्छता को चाक चौबंद कर देना, बाकी जो सीवेज की व्यवस्था को व्यवस्थित कर देना, इसलिए जेई की पूरे प्रबंध कर दिए हैं, दवा की और दवा के माध्यम से भी और सफाई के माध्यम से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियाँ हैं सर, जिला अस्पताल में भी बना, मेडिकल कॉलेज में बेड बने। देखिए किसी भी सरकार की विशेषताएँ होती हैं, वो आम नागरिक को रहने के लिए मकान उपलब्ध करा दें, चलने के लिए सड़कें दे दें, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का उचित प्रबंध कर दें, दवा के स्वास्थ्य का अच्छा इंतजाम हो जाए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो जाए, बिजली चाक चौबंद रहे, तो इन सभी व्यवस्थाओं में गोरखपुर खरा है, नंबर वन है और अव्वल है।